32 लाख का सालाना पैकेज आपका है या आपकी सैलरी इतनी हो जाए, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? सोचिए थोड़ा। इसका जवाब सोचते हुए जरा इस लड़के की तस्वीर देखिए। 28 साल की ये लड़की है, नाम है हर्षाली कोठारी। 32 लाख का पैकेज है इसका और ये छोड़कर अब ये साध्वी बनेगी। वो अपनी माँ से कहती हैं कि पैसों में सुख नहीं है। 3 दिसंबर को हर्षाली सांसारिक जीवन त्याग देगी। लेकिन हर्षाली ने ये फैसला कब और क्यों लिया? उसके परिवार ने उसके साध्वी बनने के फैसले पर क्या कहा? आज की वीडियो में हर्षाली कोठारी की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हर्षाली के बारे में जानने से पहले जरा सुनिए उसने क्या कुछ कहा है। जीवन का सच क्या है? ये चिंतन गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी ये सोचने के लिए कि जीवन किस लिए मिला है, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। उसी ने मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ये सीख देने वाली हर्षाली पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो बेंगलुरु में अडोब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन साध्वी बनने के लिए उन्होंने 32 लाख सालाना का पैकेज वाली जॉब छोड़ दी। उनके पिता ऑटोमोबाइल पार्ट्स बिजनेसमैन हैं। हर्षाली कहती हैं, 2018 में मेरी नौकरी लगी थी, फिर कोरोना काल आया तो घर से ही काम किया। वर्क फ्रॉम होम करते हुए मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे, जिनमें से एक था, मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। तब जैन संत रामलाल महाराज का एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में हर्षाली ने हिस्सा लिया, वो वहां पर शिरकत करने लगी। उस वक्त से उसका धर्म के प्रति झुकाव बढ़ता गया। कोरोना काल खत्म होने के बाद जब कंपनी की ओर से वापस ऑफिस जाकर काम करने के लिए कहा गया, तो हर्षाली ने मार्च 2023 में नौकरी छोड़ दी, पूरी तरह से धर्म का साथ देने लगी। फिर उसकी मुलाकात हुई गुरुदेव रामलाल महाराज से। गुरुजी ने लगातार उससे मुलाकातों में उसे सुख दुख, जीवन क्या है और जीवन क्यों मिला है, इसके बारे में जानकारी दी और सोचने पर प्रेरित किया, जिसके बाद उसने ये फैसला किया कि उसे साध्वी बनना है। शुरुआत में हर्षाली के माता पिता काफी हैरान थे, लेकिन बाद में बेटी का साथ दिया। हर्षाली के इस फैसले के बारे में बात करते हुए उनकी माँ उषा कोठारी ने बताया कि बेटी की जॉब चल रही थी, तभी उसने एक दिन मुझसे आकर कहा, मुझे पैसों से सुख नहीं है, मुझे जॉब छोड़नी है। बेटी को परिवार के लोगों ने काफी समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। इसके बाद उसने जब परिवार से इस पद पर जाने की परमिशन मांगी, तो बेटी के सुख को देखते हुए उन्होंने परमिशन दे दी। माँ होने के नाते उषा के बेटी को लेकर कई सपने थे, लेकिन उन्होंने उसके फैसले में खुशी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति भी दी। हर्षाली कोठारी की बुआ किरण डाबरिया अजमेर में रहती हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब उनकी इच्छा पर रविवार को अजमेर में गोद भराई और अभिनंदन समारोह किया गया। अरिहंत कॉलोनी से एक कार्यक्रम शुरू हुआ और इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए और हर्षाली का पूरा परिवार था। हर्षाली के परिवार की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो इस समारोह में खुशी के साथ शामिल हुए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल जैन धर्म में बड़े पैमाने पर युवा और किशोर उम्र के बच्चे दीक्षा लेकर साधु और साध्वी बन रहे हैं। उनका सांसारिक जीवन के प्रति मोह भंग हो रहा है और वो ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो असल में जीवन के वैराग्य को लेकर सही और अर्थपूर्ण मानते हैं। ये ज्यादातर बड़े और संपन्न घरों के बच्चे हैं या अपना अच्छा करियर छोड़कर इस ओर आ रहे हैं। 2023 की बात कर लीजिए, जब गुजरात के सूरत में एक बड़े हीरा कारोबारी की 8 साल की बेटी ने आलीशान जिंदगी छोड़कर संन्यास ले लिया। महज 8 साल की उम्र में देवांशी जैन धर्म की दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षा ग्रहण करती हुई नजर आई। उनकी सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई थी। देवास में करोड़ों का पैकेज वाली नौकरी छोड़कर 28 वर्षीय पर्यांशुक कराठे ने भी जैन दीक्षा ली थी। अब वो जैन संत हैं, वो 15 साल की उम्र से ऐसा करना चाहते थे लेकिन रुके हुए थे। 1 फरवरी 2020 को गुजरात के सूरत में 65 लोगों ने दीक्षा ली थी। उन्होंने जिंदगी के हर आराम को छोड़ दिया। दीक्षा लेने वाले 65 लोगों में 17 की उम्र 20 साल से भी
कम की है। पिछले कुछ सालों में हर साल बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चे और युवा लोग जैन धर्म में दीक्षा लेते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इनमें सभी के कारण भले ही अलग अलग हो सकते हैं, सबकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मूल एक ही है। इनमें से हर किसी का मानना है कि बीते काफी वक्त से वो बहुत बेचैन महसूस करते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें वो खुशियां नहीं दे पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसीलिए उन्होंने दुनिया की नश्वरता को त्यागते हुए सादा जीवन बिताने और खुद को इस भक्ति को समर्पित करने का फैसला लिया था। दीक्षा लेने के बाद सभी साध्वियों को सफेद रंग की सूती साड़ी पहनने के लिए दी जाती है। साधु पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर देते हैं। वो दीक्षा लेने के बाद तनिक भी सुख नहीं हासिल करते, जिसे भौतिक सुख कहते हैं। सही मायनों में वो दुनिया में जिस तरह की कठिन जीवन शैली को अपनाते हैं, वो अब दुनिया में किसी दूसरे धर्म में नजर तो नहीं आती। लेकिन आप सांसारिक जीवन का त्याग कर रहे इन युवाओं के फैसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या ये आपको सही लगता है या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।